नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट विषय की, और विषय कौन सा नमक हम इस्तेमाल करें, खाने का जो नमक होता है आखिर हम कौन सा नमक अच्छा होता है और क्यों। यह वीडियो बनाने की प्रेरणा साथियों हमको अपने क्लिनिक के कार्यक्रम से मिली। हमारे क्लिनिक पे 10 अप्रैल को डॉक्टर हनीमैन जयंती पे एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोगों की परिचर्चा चल रही थी। उसी परिचर्चा में एक हमारे बहुत अजीज मित्र हैं और बहुत ही बड़े योग गुरु हैं और बहुत ही बड़े एक दार्शनिक हैं, श्री राजेश टंडन जी। राजेश टंडन जी किसी के यहाँ नहीं जाते, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा मेरा सौभाग्य है राजेश टंडन जी 50 साल बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए थे और वो आपके इस छोटे से इस गरीब के क्लिनिक पर आए थे। तो टंडन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो राजेश टंडन जी की बारी आई बोलने की साहब, तो राजेश टंडन जी ने अपने अभिवादन को उद्बोधन को शुरू करा इस बात से कि मैं टाटा को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ। अब साहब हम लोग 15-20 जो इंटेलेक्चुअल बैठे थे, मैं नहीं था उसमें, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, लेकिन 15-20 बहुत पढ़े लिखे PhD और डॉक्टरेट लोग बैठे थे, तो वो सब बहुत चक्के रह गए। लाखों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं और उसमें राजेश टंडन जी ने ये क्या कह दिया, तक उस देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ। तो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा या तो इस प्रोग्राम को रोक दें, इनको मना कर दें, या फिर इनसे पूछें इस बात को आगे बढ़वाएं। तो हमने पूछा, सर ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, जी हाँ, मैं राय को सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का मानता हूँ, क्योंकि टाटा ने नमक इस देश को दिया और वो नमक दिया जो सबसे ज़्यादा घातक है। आज जितने ब्लड प्रेशर का इतना ज़्यादा बढ़ रहा है वो इसी तरह बढ़ रहा है। बहरहाल, तो एक बात कहने की थी, टाटा वो भी मानते हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा कि टाटा हिंदुस्तान की वो कंपनी है जो बिजनेस नहीं करती, लोगों पे राज करती है। वो इस देश को आगे बढ़ाने में, चाहे डिफेंस डील्स हो, चाहे डिफेंस की ट्रक्स वगैरह हो, चाहे देश का जो ट्रांसपोर्टेशन का बैकबोन है ट्रक्स हो, चाहे हैवी व्हीकल्स हो, चाहे कुछ हो, एक ह्यूमन हार्ट के साथ कंपनी है टाटा, एक दिल के साथ है। और टाटा साहब को मैं सादर प्रणाम करूंगा कि ये बात केवल मैंने अपनी एक पॉइंट को रखने के लिए कही, इससे किसी ब्रांड का लेना देना नहीं है। तो जो है वो बड़ा जो है साहब इस पे, तो हमने कहा सर ऐसा क्यों, तो वो फिर बोले कि इसने देश को बर्बाद कर दिया इस नमक ने, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर के मरीज तमाम मरीज हुए। तो फिर मैंने कहा कि लाओ इसकी थोड़ी पढ़ाई करते हैं। तो जब हमने गूगल करा तो हमने देखा बाजार में बहुत सारे नमक आते हैं, इतने तरह के नमक आते हैं, चाहे हिमालयन पिंक सॉल्ट हो गया, सेंधा नमक हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, कोशर सॉल्ट हो गया, प्लेन सॉल्ट हो गया, अनरिफाइंड सॉल्ट हो गया, सी सॉल्ट हो गया, फाइन सॉल्ट हो गया, अब तो तमाम फ्लेवर्स में भी सॉल्ट बनने लगे, वहाँ हो गए। तो बात हुई कि साहब मैंने अपने घर में सोचा मैं कौन सा नमक खाना चाहिए। तो जब मैं राजेश टंडन जी ने फिर हमको नमक के बारे में बताया कि आखिर हमें इस सफेद नमक को छोड़ के रॉक सॉल्ट, यानी ये जो काला नमक सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक, इसके इम्प्लिकेशन, या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट जो पाकिस्तान में होता है जिसमें कि काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, उस तरफ क्यों आना पड़ेगा। अब एक बात आई कि साहब देखिए, यहाँ मैं कुछ बात को थोड़ा जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। जैसे जो अपना टेबल सॉल्ट होता है वाइट सॉल्ट, यह कई रिसर्चेज में बहुत हानिकारक कहा गया है। कोशर सॉल्ट से हम लोग को बहुत मतलब नहीं, वो जूस यूज़ करते हैं अपने, उसमें एक लो सोडियम सॉल्ट आता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लोग करते हैं, जिसको कि कई ब्रांड में आता है, वो अब तो सभी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा तमाम फ्लेवर सॉल्ट आते हैं। लेकिन जो दो सॉल्ट जिन पे हम लोग डिबेट करते हैं कि कौन सा अच्छा है, वह हिमालयन पिंक सॉल्ट, यानी जो पाकिस्तान में हिल्स में होता है, हिमालयन रेंज में होता है, और एक होता है सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट। इनमें से आप कौन सा सॉल्ट यूज़ करें, तो हम साथियों आपको बताते हैं इन दोनों सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़, बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा सॉल्ट लेना है। अब साथियों, सॉल्ट की उपयोगिता के लिए हमको अपने भूतकाल में जाना पड़ेगा, हमें अपने पुराने समय में जाना पड़ेगा, जिस समय साइंस मैं मानता हूँ कि आज से कई गुना अच्छी थी। तो पुराने लोगों ने जो है वो जो हम लोग को सजेशन दिया है वो दिया है रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक का। अब साहब रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक क्यों, हम सबको
सफ़ेद नमक को यहाँ छोड़ के मेरे हिसाब से सेंधे नमक पे आना चाहिए, और बहुत से संभ्रांत लोग इस पर आ भी गए हैं। जो अपना इससे पहले हिमालयन सॉल्ट की बात कर लेते हैं, हिमालयन सॉल्ट जो पिंक सॉल्ट होता है, यह भी अच्छा सॉल्ट होता है जिसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मिनरल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा सॉल्ट पाया गया है साइंस में वह है सेंधा नमक। सेंधा नमक साथियों इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें 84 ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 84 ट्रेस एलिमेंट्स अब तक सेंधा नमक में आइडेंटिफाई करे जा चुके हैं। सेंधा नमक साथियों इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड का NaCl का कंसंट्रेशन कम होता है, यानी जो आप लो सोडियम नमक बाजार से खरीद के लाते हैं वो सब प्रॉपर्टीज आपको सेंधा नमक में मिल रही है। तीसरी बात साथियों, जो अपना रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक होता है यह प्योर होता है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। आयुर्वेद कहता है कि सेंधा नमक हमारा प्योरेस्ट फॉर्म का नमक है जिसमें सोडियम कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और यह ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसका इसमें NaCl का कंसंट्रेशन कम होता है। तो साथियों सारे एनालाइजेशन के बाद इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि मुझे अपने घर में अब सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। वो थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है लेकिन जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो महंगाई किसको दिखाना। साथियों सेंधे नमक के विषय में आपको यह भी बता दें कि यह जो है चरक ने 300 BC में जो है आपने सेंधा नमक की खोज करी थी। सेंधा नमक को स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा कहा था, एंड ओल्ड इज गोल्ड, इसलिए यह नमक आपके सामने है। तो आप सब सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं। मेरी राय में सेंधा नमक सबसे अच्छा रहेगा आप सबकी सेहत के लिए। आप साथियों अच्छे बने रहें, स्वस्थ बने रहें, ऐसी डॉक्टर उमंग खन्ना कामना करता है क्लिनिक, और आपसे निवेदन करता है साथियों कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।